गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोगों का इंग्लिश का क्लास होना है। आज मैं आप लोगों को एक पोएट्री पढ़ाऊंगी। आपके कोर्स में चार पोएट्रीज हैं। पहली है द फाउंटेन, दूसरी द साल ऑफ लाइफ, तीसरी द विलेज सॉन्ग, चौथी द नेशन बिल्डर्स। तो आज जो मैं पढ़ाऊंगी वो है द फाउंटेन। फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा। इसके पोएट हैं जेम्स रसेल लोवेल। तो फव्वारे ये पढ़ा रही हूँ, बाद में मैं बताऊंगी उसमें ये इन्होंने पोएट ने बताने की ये कोशिश की है कि फव्वारा एक ऐसी वो है कि ऐसी चीज है जो दिनों रात खुश रहता है और कार्य करता रहता है, गतिशील रहता है। तो सबसे पहले अब मैं पढ़ूं फिर आपको मतलब बताती हूँ। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। अब ये फव्वारे के लिए पोएट कह रहे हैं कि इनटू द सनशाइन, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, चाहे फुल ऑफ द लाइट, चाहे पूरी रोशनी हो सूर्य के प्रकाश की, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, ये सुबह से लेके शाम तक चलता रहता है, गतिशील रहता है और फ्लैश करता रहता है, यानी चमकता रहता है सूर्य के प्रकाश में और बहता रहता है। और इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइट व्हेन द विंड्स ब्लो। और जब रात होती है, सूर्य का चंद्रमा का प्रकाश फैलता है, तो ये देखने में स्नो यानी वो बर्फ जो आसमान से गिरती है उसकी तरह, उससे भी अधिक चमकता रहता है। रात में भी इसकी गति का वही हाल है कि रात में भी वो इतना ही प्रसन्न रहता है और चमकता रहता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, और जब हवा चलती है तो ये जैसे फूल की डालियों पर फूल हिलते रहते हैं डालियों पर, उसी तरह से फव्वारा भी जब उस पर हवा छूती है उसको, तो वो भी हिलता रहता है फूल की डालियों की तरह। इनटू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिड नाइट, हैप्पी बाई डे। कह रहे हैं चाहे रात हो जाए, तारे निकल आए, वो अपनी गति में रहता है, अपने उसी तरह से फव्वारा स्प्रे करता रहता है यानी छिड़काव करता रहता है। हैप्पी एट मिड नाइट, आधी रात भी होती है तो भी वो हैप्पी ही दिखता है, खुशी दिखता है। हैप्पी बाई डे, पूरा दिन वो हर मौसम में, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, चाहे मून लाइट हो, चाहे स्टार लाइट हो, हर में वो पूरे दिन प्रसन्न दिखाई देता है। एवर इन मोशन ब्लिटसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर ए वियरी। करें हमेशा मोशन में रहता है, मोशन यानी गति, एवर हमेशा, हमेशा वो गति में रहता है और खुश दिखता रहता है, एकदम प्रसन्न दिखता रहता है। और हमेशा वो स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ल्ड यानी ऊपर की ओर, हेवन वर्ल्ड की तरफ यानी ऊपर की ओर वो हमेशा जाता रहता है। नेवर ए वियरी, बिना थके हुए, कभी भी उसको थकान नहीं आती, हमेशा गति करता रहता है। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। ग्लेड ऑल ऑफ ऑल वेदर यानी वेदर मीन्स मौसम, हर मौसम में वो खुश नजर आता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हमेशा अभी भी वो हमेशा बेस्ट ही लगता है, यानी बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही गति में रहता है, बहुत ही खुश रहता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे वो ऊपर जा रहा हो, चाहे ऊपर से जाके पानी नीचे ही को ही आता है फव्वारे का, हमेशा मोशन में रहता है, हमेशा गति में रहता है और कभी भी रेस्ट नहीं करता, आराम नहीं करता, हमेशा वो गति करता रहता है। फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, चेंजिंग एवरी मोमेंट एवर द सेम। कह रहे हैं कि हमेशा प्रकृति को में वो हमेशा, नथिंग कोई भी प्रकृति हो, किसी भी तरह का मौसम हो, कैसा भी हो, वो कभी भी थकता नहीं। चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम, हर क्षण वो चेंज होता रहता है, यानी फव्वारा जब ऊपर को फूटता रहता है तो कभी हवा चलती है तो फूलों की तरह हिलता रहता है, कभी रात की रोशनी में
तारों की रोशनी में, कभी चांद की रोशनी में, कभी दिन के सूरज की रोशनी में, हमेशा वो कुछ ना कुछ उसमें चेंज भी दिखता रहता है। कभी वो ज़्यादा चमकता रहता है, कभी थोड़ा कम चमकता रहता है, लेकिन हमेशा हर क्षण वो एक ही तरह से दिखता है कि फुव्वारा अपनी गति में है, सेम वो उसकी गति में कोई असर नहीं पड़ता। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कॉन्टेंट, यानी संतुष्ट, हमेशा वो संतुष्ट रहता है, हमेशा वो एक तरह का रहता है, दृढ़ लगता है, एकदम दृढ़ निश्चय वाला लगता है। डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट, उसका जो चाहे वो रात का अंधेरा हो चाहे सूर्य का प्रकाश हो, वो हमेशा एक ही तरह का लगता है, उसको कभी भी उस पर कोई थकान नहीं दिखती, बिना थके हुए वो अपना काम करता रहता है और एक दृढ़ता से वो जमा रहता है हर हर मौसम में हर तरह से। ग्लोरियस फाउंटेन यट माई हर्ट, अब ये कह रहे हैं ये जो इसके पोएट हैं वो ये बताना चाह रहे हैं, अब एक तरह से वो भगवान से या फव्वारे से, फव्वारे के थ्रू भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा दिल भी, मेरा हृदय भी बिल्कुल फव्वारे की तरह ग्लोरियस, अच्छा चमकदार और अच्छा हो जाना चाहिए। हमेशा कैसा होना चाहिए? फ्रेश होना चाहिए, चेंजफुल होना चाहिए, यानी हर तरह से मेरा हृदय चेंज होता रहना चाहिए, कभी हमेशा खुश रहना चाहिए। कॉन्टेंट, हमेशा दृढ़ होना चाहिए, कॉन्स्टेंट। अपवर्ड लाइक दी, जैसे कि तुम हमेशा बिना थके हुए अपना काम करते रहते हो, उसी तरह हमारा, हमको भी इसी तरह फ्रेश होना चाहिए, मेरा हृदय भी सही होना चाहिए, हमेशा हमारा हृदय भी अपवर्ड यानी ऊपर की ओर सोचता रहे, ऊपर की ओर जाता रहे, ये है। और हमेशा एक तरह से हम भी जैसे तुम दिखते हो वैसे ही हम भी दिखें और हमारा हृदय तुम्हारी तरह हो जाए, ये इनकी दुआ है। दी माने होता है तुम्हारा, अपवर्ड माने ऊपर की तरफ। ओके, अब ये इसमें क्या है बच्चों, ये तो एक छोटी सी पोएम है, अब तुम्हारा काम क्या है, इस पोएम में दो स्टैंजा, एक स्टैंजा ये, एक स्टैंजा या, ये कोई भी दो स्टैंजा तुमको रट के अच्छी तरह से विद स्पेलिंग याद करना है, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे लिए या तो तुमको सबसे अच्छा यही है कि तुम ये फोर लाइन की पोएम लिखने के लिए आती है, तीन नंबर मिल जाता आसानी से, या चार नंबर की होती है तो तुम इसको अच्छे से रट लोगी, दो स्टैंजा रट लोगी, मान लो एग्जाम में एक आ जाता है तो ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो ये दिया जाता है कि पेपर में जो लिखा हुआ है वो पोएम ना लिखना, तो अगर मान लो पेपर में जो पोएम आती है तो वो एक ही स्टैंजा आएगा, दूसरा स्टैंजा तुम लिख लेना, इसलिए अच्छे से दो स्टैंजा खूब अच्छे से विद स्पेलिंग रट लेना, मार्क जैसे जैसे इसमें लगा है वो मार्क लगाना सीख लेना। और इसके अलावा इस पर क्वेश्चन के आंसर भी आते हैं जो मैं लिख के तुम्हें भेजूंगी, क्वेश्चन के आंसर भी याद करना है। ओके.